प्रिय विद्यार्थियों, हम आपको पिछली वीडियो में मेंसुरेशन 8 नंबर की, अलजबरा आपके 18 नंबर की, कोऑर्डिनेट आपके 5 नंबर की, त्रिकोणमिति आपके 12 नंबर की, रियल नंबर आपके 5 नंबर के यूनिट बाय यूनिट हम आपको करा रहे हैं। आप वीडियो देखते रहें और समझते हैं। सबसे मेन क्वेश्चन का समझना होता है, अगर आप क्वेश्चन समझ जाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, ज़रा ध्यान दें क्वेश्चन क्या है। हम आपसे बार बार प्रत्येक वीडियो में समझा रहे हैं, चाहे क्वेश्चन आपका वीडियो टाइम में हो या आपका एग्ज़ाम टाइम में हो या आपका कंपटीशन टाइम में हो, अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पाएंगे तो शायद आंसर या सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम आपसे बार बार रिपीट कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप क्वेश्चन को ज़रूर समझें, नहीं तो आप आंसर या सोल्यूशन नहीं दे पाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, आर बराबर 2 cm, cm का मतलब सेंटीमीटर है हो, तो गोले का आयतन ज्ञात करो। ज़रा देखिए आपको क्या निकालना है, गोले का आयतन निकालना है। ये आपका आयतन है, ये आपका cm सेंटीमीटर है। आगे आप देखिए अपने आंसर या सोल्यूशन में, आपका सूत्र क्या है, ज़रा ध्यान दें आपका सूत्र क्या है। देखिए आयतन बराबर 4/3 πr³, ज़रा ध्यान दें ये आपका फार्मूला है या सूत्र है। अब आगे देखिए आप, 4/3 π ऐसी रहेगा, r का मान आपका 2 है तो 3 बार लिखेंगे, क्योंकि पावर का है हमारे पास 3 है, तो 1, 2, 3 बार हमने लिख दिया। आगे आप देखिए 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 8 × 6 = 32, 32/3 π³ सेंटीमीटर क्यू। अब ज़रा आप ध्यान दें, आपका जो भी आंसर आया है, अगर आपको आयतन निकालना है तो हमेशा आप ध्यान रखें एग्ज़ाम में भी कि आपका आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर में आएगा या सेंटीमीटर क्यू में आएगा। इन क्वेश्चनों में आप ध्यान रखें, आपका अगर आपको आयतन निकालना है तो आपका आयतन सेंटीमीटर क्यू में या घन सेंटीमीटर में आएगा, इस बात का आप ध्यान रखें। यहाँ पर जो भी आप आंसर या सोल्यूशन करके लाएँ, ये बात तो समझ में आती है, बच्चे खूब कहते हैं, लेकिन सेंटीमीटर कहाँ से आया। देखिए अगर आपके क्वेश्चन में सेंटीमीटर है तो आप सेंटीमीटर लगाएं, अगर आपके क्वेश्चन में मीटर है तो आप मीटर लगाएं। वीडियो को बार बार देखते रहें, समझते रहें, वीडियो को आसान भाषा से देखिए समझाया गया है। अगर आपको वीडियो आसान व सरल लगती है या इजी लगती है या सटीक लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।